मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती बरती जाए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश दिया। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मस्जिदों के सामने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण मेला की तैयारियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाभार्थियों को बुलाने की भी व्यवस्था की गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि रामगढ़ ताल तरकुलानी रेगुलेटर नाला की ड्रेजिंग का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने देवरिया बाईपास पर जीडीए द्वारा बनवाए जाने वाले नाले के विषय में भी जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि नाले का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री आयुष विश्वविद्यालय एवं सैनिक स्कूल के प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समय से पूरा किया जाए और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से निर्माण कार्य की निगरानी करते रहें। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने चौराहों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, चौराहों को चौड़ा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री समूह का दौरा शुरू हुआ है। मंडल के सभी जिलों के मंत्रियों का निरीक्षण कराया जाए और उन्हें सारी प्रगति से अवगत कराया जाए। मंत्री जिलों में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों एवं सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। बैठक के दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर बनाई गई कार्य योजना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौर, जिलाधिकारी कृष्णा करुनेस, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह आदि मौजूद रहे।